हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एनएम मैम। आज हम देखेंगे 2023-24 का इवॉल्वेशन हम किस तरह से करेंगे। इस साल का जो इवॉल्वेशन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट सर्कुलर 2023-24 के तहत हमें इवॉल्वेशन किस तरह से करना है वो आज हम देखेंगे। एग्ज़ाम्स और एफएस के जो टेस्ट होते हैं, किस डेट को रखना है, कितने मार्क्स का लेना है, कितना सिलेबस लेना है, फिर उसका कंसोलिडेट कैसा करना है, उसको आज हम इस वीडियो में डिटेल देखेंगे। एक बार मैं आपको सर्कुलर भी बता देती हूँ। सर्कुलर देखिए कुछ इस तरह से आया है। 1/7/2023 का सर्कुलर है ये। इवॉल्वेशन के तहत यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। इस इंस्ट्रक्शंस के तहत हमने टैबलर कॉलम आपके लिए रेडी किया है। चलिए वहाँ पर हम इसको डिटेल से देखेंगे। तो 9th क्लास का इवॉल्वेशन जो है, उसका हमने टैबलर कॉलम इस तरह से बनाया है। सीरियल नंबर, यहाँ बच्चों का नाम लिखेंगे। जो FA1 का हमें टेस्ट लेना है, उसके लिए सिलेबस हम 25% सिलेबस लेंगे और हमारा टेस्ट की जो तारीख रहेगी 18 जुलाई 2023 टू 20 जुलाई 2023 तक रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, FA1 में हमें 2 एक्टिविटीज़ और 1 टेस्ट लेना है। 1 एक्टिविटी के लिए हमारे पास 15 मार्क्स है, तो 2 एक्टिविटी के 30 मार्क्स हुए और रिटर्न टेस्ट हमें 20 मार्क्स का लेना है। इस तरह से FA1 का जो टोटल होगा वो 50 मार्क्स का होगा। इसी तरह से FA2 में भी हम 25% सिलेबस लेंगे हम, और डेट रहेगी 6/9/23 टू 8/9/23 तक। तो इसमें भी हम 2 एक्टिविटीज़ लेंगे। इसको हमने A3 और A4 का नाम दिया है। दोनों एक्टिविटीज़ 15-15 मार्क्स के रहेंगे और रिटर्न टेस्ट कितना रहेगा, 20 मार्क्स का रहेगा। टोटल कितना होगा, ये 50 मार्क्स का होगा। इस तरह से यहाँ पर 2 FA में हमारा 25% करके 50% यानि हाफ सिलेबस यहाँ पर कवर होगा। इसके बाद हम FA1 और FA2 का टोटल करेंगे। देखिए ये 50 मार्क्स का है, ये 50 मार्क्स का है, तो टोटल हो गया यहाँ पर 100 मार्क्स और इस 100 मार्क्स को हम 20 में कन्वर्ट करेंगे। FA1 जो हमें एग्ज़ाम रखना है वो 50% सिलेबस पे होगा और उसकी डेट है 29 सितंबर से 7 अक्टूबर तक रहेगी। तो ये हमारा जो सिलेबस लेंगे 50%, कितने मार्क्स का लेंगे हम एग्ज़ाम, 80 मार्क्स का एग्ज़ाम लेंगे। तो ये FA1 प्लस FA2 का 20 मार्क्स और SA1 का 80 मार्क्स, दोनों मिलाकर यहाँ पर टोटल 100 मार्क्स। तो ये हमारा 100 मार्क्स यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ। तो ये था हमारा 9th क्लास का इवॉल्वेशन। अभी 10th क्लास का इवॉल्वेशन की तरफ चलेंगे हम। 10th का भी ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। फर्स्ट टर्म में 10th का सेम है, 9th का और 10th का जो इवॉल्वेशन है फर्स्ट टर्म में सेम है, सेकेंड टर्म में चेंज है। टैबलर कॉलम है ये, सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, मैथ्स, साइंस और सोशल के लिए है, ठीक है। फर्स्ट लैंग्वेज के लिए थोड़ा सा टैबलर कॉलम चेंज होता है, चलिए उसको देखेंगे। तो फर्स्ट लैंग्वेज के लिए जो FA1 रहेगा वो 25% ही होगा, FA2 भी 25% सिलेबस ही होगा, डेट भी सेम है और यहाँ पर मार्क्स भी आप सेम टू सेम डालेंगे। बट यहाँ पर जब FA1 FA2 का हम टोटल 100 करते हैं तो उसको आपको 25% में यहाँ पर चेंज करना है। और SA1 50% सिलेबस का ही रहेगा, डेट भी सेम रहेगी, मगर यहाँ पर आपको कितने मार्क्स का लेना है, फर्स्ट लैंग्वेज में SA1 एग्ज़ाम आपको 100 मार्क्स का लेना है। इन दोनों का टोटल कितना होता, 125। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लैंग्वेज का कंसोलिडेट, ठीक है। अभी हम 10th का देखेंगे। 10th का भी फर्स्ट लैंग्वेज का और 9th का फर्स्ट लैंग्वेज का सेम है, तो हम आगे चलेंगे, ठीक है।
ये इवॉल्वेशन जो है 9th क्लास का है, सेकेंड टर्म के लिए। तो यहाँ पर 9th और 10th में थोड़ा सा डिफरेंस है, पहले हम 9th का देखेंगे उसके बाद 10th का देखेंगे। तो 9th का जो FA3 FA4 होगा, FA3 में हम 30% सिलेबस लेंगे और FA4 में हम 20+ सिलेबस लेंगे, तो ये दोनों मिलाकर 50% होगा। फर्स्ट टर्म में हम FA1 FA2 में 25% 25% सिलेबस 50% करके वहाँ पर कंप्लीट करे थे, बाकी का 50% सिलेबस आप FA3 और FA4 में इस तरह से लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो हो गए दो एक्टिविटीज़ रहेंगे 15-15 मार्क्स के, और एक रिटन टेस्ट रहेगा, टोटल होगा 50। और FA4 में भी दो एक्टिविटीज़ रहेंगे और एक टेस्ट रहेगा 20 मार्क्स का, और ये होगा 50 मार्क्स का। तो इस तरह से टोटल आपको पूरे साल में 8 एक्टिविटीज़ कराना है और टेस्ट कितने लेना है, 4 टेस्ट लेना है। ठीक है, तो FA3 के जो टेस्ट होगा उसकी डेट यहाँ पर दिया हुआ है 26 दिसंबर से 28 दिसंबर तक होगी, और FA4 का जो डेट रहेगी 4 फरवरी से 6 फरवरी तक रहेगी। यहाँ पर हम FA1, FA2, FA3, FA4 यानी पिछले जो टर्म में हम FA1 और FA2 करे थे उसका टोटल, और यहाँ पर FA3 और FA4 का टोटल दोनों मिलाकर कितना होता, 200 होता। ठीक है, एक FA हमारा 50 मार्क्स का है तो टोटल 200 होता मार्क्स, उसको हम 20 में कन्वर्ट करेंगे। 20 में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गए हमारे इंटरनल मार्क्स। SA2 में हम जो सिलेबस लेंगे टोटल पूरा 100% लेंगे, यानी पूरा हम साल में जितना पढ़ाए पूरा सिलेबस लेंगे, और जो SA2 का जो एग्ज़ाम रहेगा वो 80 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो ये 20 और ये 80 मिला के ये 100 हो जाएगा। तो इस तरह से हम 9th क्लास का इवेल्युएशन करेंगे फाइनल। ये जो चार्ट है आपको सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, मैथ्स, साइंस और सोशल के लिए काम आएगा। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज के लिए थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। चलिए हम 10th का देखेंगे। 10th का जो सेकंड टर्म का इवोल्यूशन होगा उसमें हम FA3 के लिए 40% सिलेबस लेंगे और FA4 के लिए 10% सिलेबस लेंगे। तो 50% सिलेबस यहाँ पर कवर होगा। 50% सिलेबस हमने FA1 और FA2 में करा था, फिर 50% सिलेबस हम FA3 FA4 में करेंगे, तो टोटल 100% हो जाएगा, यानी पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम दो एक्टिविटीज़ लेंगे 15-15 मार्क्स के, और एक रिटन टेस्ट करेंगे, इस तरह से ये 50 मार्क्स का होगा। यहाँ पर भी सेम हम दो एक्टिविटीज़ और एक टेस्ट करके 50 मार्क्स का कर देंगे। डेट आपको सेम रहेगी, जो 9th और 10th का एग्ज़ाम डेट है वो सेम है। तो यहाँ पर देखें हम यहाँ पर टोटल किस तरह से करेंगे, FA1 FA2 FA3 FA4 का टोटल करेंगे तो 200 होगा, और उसका इंटरनल मार्क्स करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 200 को 20 में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आपके इंटरनल मार्क्स होंगे जो हम 10th बोर्ड को हम जो इंटरनल मार्क्स भेजते हैं ये वो मार्क्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम SA2 सिलेबस 100% होता है, जो बोर्ड की तरफ से एग्ज़ाम लिया जाता है 80 मार्क्स का वो होगा, इसलिए हमने यहाँ पर डेट मेंशन नहीं की है। तो ये बोर्ड एग्ज़ाम रहता है SA2, आपको लेना स्कूल लेवल लेना नहीं रहता, तो टोटल इस तरह से 100 मार्क्स इसका हो जाएगा। तो ये जो टेबुलर कॉलम है हमारा, सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, मैथ्स, साइंस और सोशल के लिए काम आएगा। फर्स्ट लैंग्वेज का इवोल्यूशन थोड़ा सा अलग है, आप चलिए उसको हम देखते हैं। तो फर्स्ट लैंग्वेज का इवोल्यूशन का बाकी का सब सेम रहेगा। यहाँ तक देखें, यहाँ तक जो एक्टिविटीज़ और टेस्ट लेना है सब सेम रहेगा, सिलेबस वगैरह, मगर जब यहाँ पर हम टोटल 200 करते हैं तो उसका आपको 25% लेना होता है। तो ये हो गए हमारे इंटरनल मार्क्स फर्स्ट लैंग्वेज के लिए। तो यहाँ पर SA2 जो होगा 100% सिलेबस होगा और ये 100 मार्क्स का होगा। ठीक है,
हमारे पास दूसरे सब्जेक्ट्स में और दूसरी लैंग्वेज में 80 मार्क्स का होता है, मगर फर्स्ट लैंग्वेज में जो एस ए टू होगा वो 100 मार्क्स का होगा। और ये बोर्ड एग्ज़ाम होता है हमारा, ठीक है, हमें लेना नहीं होता है ये एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम होता है। तो ये टोटल कितना होगा, 125 मार्क्स हो गए ये दोनों मिलाकर, इस तरह से इवैल्यूएशन होगा। चलिए थोड़ा सा नाइन्थ क्लास का भी फर्स्ट लैंग्वेज देखेंगे हम। नाइन्थ का जो फर्स्ट लैंग्वेज का इवॉल्वेशन होगा सेकेंड टर्म के लिए, FA3 के लिए 30% और FA4 के लिए 20%, तो टोटल ये हो गया 50%। 50% सिलेबस हमने फर्स्ट टर्म में कवर किया था, तो हाफ जो बचेगा यहाँ पर करेंगे हम। और यहाँ पर डेट आपको मेंशन है, डेट सेम रहेगी, और FA3 FA4 जो 50 मार्क्स का है सेम रहेगा। यहाँ पर जो है FA1 FA2 FA3 FA4 का जो टोटल है यहाँ पर भी 200 होगा, मगर आप इसको 25 में कन्वर्ट करेंगे। और आपको SA2 जो 100% सिलेबस लेना है, यानी पूरा सिलेबस जो लेना है आपको SA2 के लिए, वो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम लेंगे आप, इस तरह से ये 125 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो इस तरह से नाइन्थ और टेंथ का इवॉल्वेशन होगा। और सिक्स सेवन्थ एट का डिफरेंस है आपका, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको लाने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।